नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रमन बहुत ही रोचक विषय को लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो कि अभी नवंबर में होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वहाँ पे मुख्य पक्ष और विपक्ष हैं। और भी बहुत सारे दल हैं, छोटे मोटे दल आजकल तो कुकुर मुत्ते की तरह उठाते हैं और चले जाते हैं बरसाती मौसम की तरह, लेकिन मुख्य जो दल है वो कांग्रेस और बीजेपी है। बीजेपी बहुत सालों से वहाँ शासन कर रही है, कांग्रेस बहुत सालों से शासन में आने की कोशिश कर रही है। लगभग पिछले 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अधिकतर समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। 28 नवंबर को वहाँ पर चुनाव है और 11 दिसंबर को परिणाम सबके सामने होंगे। बहुत लंबे समय तक कोई दल बना रहता है तो जनता भी उकता जाती है, और कुछ नहीं तो सिर्फ बदलने की खातिर वो लोग दूसरों को मौका दे देते हैं। वो निर्णय सही होता है कि नहीं होता ये एक अलग विषय है, किंतु बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पब्लिक ऐसा कर देती है। राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी। मैं स्वयं मध्य प्रदेश का हूँ तो मेरी उत्सुकता थी कि क्या ऐसा होगा, तो मैंने 1 से 249 के बीच में एक अंक चुना जो कि 22 आया। यह एकदम ही मेष की समाप्ति का अंक है। लंबे समय से सत्ता में बने रहने के कारण बहुत से लोग ऐसा भी बोलने लगे हैं कि शिवराज सिंह को अत्यधिक अहंकार हो चुका है और यही उनकी सरकार को ले डूबेगा। देखा जाए तो इस शासनकाल में काफ़ी अच्छे निर्णय भी लिए गए और साथ ही घपले आदि की भी छिटपुट खबरें आती रही। तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी, गरीबी रेखा से नीचे वालों की सहायता, BPL कार्ड वगैरह तो रहे, रेत माफिया से जुड़ने का भी आरोप लगा रहा। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, मध्य प्रदेश की जनता काफ़ी बातें ध्यान में रख के अपना मतदान करती है। हिंदुत्व का मुद्दा भी मध्य प्रदेश में काफ़ी वोट बटोरता है। कांग्रेस नामक राष्ट्रीय दल ही एकमात्र विपक्ष है जिसके काफ़ी नेता पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और काफ़ी नेताओं पर इस शासनकाल में कानूनी विवाद भी बन चुके हैं। फिर भी इनके नेतागण काफ़ी अच्छे विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, जो कि अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ है। KP पद्धति के अनुसार छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी अगर छठे घर का दशम का लाभ का सबल कार्य से तो व्यक्ति के पक्ष में परिणाम आता है, अन्यथा विरोधी के पक्ष में। यहाँ छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी बुध छठे ही घर में है और वह राहु के नक्षत्र में है जो कि तीसरे घर में है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें प्रश्न के समय जो चंद्रमा है वह गुरु के नक्षत्र में है और राहु के उपनक्षत्र में है, और ये विरोधी के लिए अच्छा है। लाभ भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी बुध है जो कि विरोधी का भी लाभ भाव का स्वामी है, अतः विरोधी को लाभ नहीं देगा, वह लगन को लाभ देगा अर्थात भारतीय जनता पार्टी को लाभ देगा। ये जो कुंडली है ये 28 नवंबर की कुंडली है। इसमें आप देख सकते हैं कि छठे भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है वह शुक्र रहेगा जो कि स्वयं छठे घर में है। यह शुक्र मंगल के नक्षत्र में होकर अपने ही उपनक्षत्र में है। यही विरोधी का भी उपनक्षत्र स्वामी है, अतः विरोधी को लाभ की संभावना नगण्य है। तो मित्रों, जहाँ तक फलादेश का सवाल है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे वो अलग चीज़ है, मेरा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। शिवराज सिंह रहते हैं नहीं रहते हैं वो तो उनके पार्टी का मैटर है, इंटरनल मैटर है, वो डिसाइड करेंगे। और सभी पार्टियों को, सभी दलों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और देखते हैं कि परिणाम 11 दिसंबर को क्या निकलते हैं। इसी के साथ ही आप सबसे विदा लेता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।